हेलो एवरीवन वन मैन ऑफ दी प्रेडू आज हम यूजीसी नेट पेपर कोड जीरो फाइव नाइन लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस क्विज सिक्स करने वाले हैं जिसमें टेन एम सीखोंगे प्रैक्टिस के लिए वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी कुरेक्शन क्विज नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर थ्री जिसमें आई जो है वो फोर्टीन लैंग्वेज में पब्लिश है फोर्टीन वॉल्यूम्स में नहीं है तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा फोटीन लैंग्वेज में पब्लिश है तो चलिए आज की हम वीडियो शुरू करते हैं तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आइडेंटिफाई द थ्री बिल्डिंग पार्ट्स ऑफ लाइब्रेरी ऑफ नालंदा लर्निंग सेंटर ऑप्शन ए रत्न सागर रत्न रंजक रत्न ऑप्शन बी रत्न सागर रत्नारंजक रत्नामनी ऑप्शन सी रत्न रंजक रत्न एंड रत्नामनी ऑप्शन डी रत्ना सागर रत्न रंजक एंड रत्नानिकेतन तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर इस ए देखिए जो नालंदा लर्निंग सेंटर की लाइब्रेरी थी उसका नाम क्या था उसका नाम था धर्मगंज धर्मगंज और जो रत्न सागर रत्नरंजक रत्न धोंदी जो ये थ्री बिल्डिंग्स थी ये किसके पार्ट थी धर्मगंज की और जो नालंदा लर्निंग सेंटर या नालंदा यूनिवर्सिटी बोल लीजिए इसको डिस्ट्रॉय किसने किया था बख्तियार खिलजी किसने किया था बख्तियार खिलजी देखिए ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो ये यूनिवर्सिटी या लाइब्रेरी इसको डिस्ट्रॉय किया गया था तो ये काफ़ी महीनों तक जलती रही थी क्योंकि इसमें कलेक्शन काफ़ी सारा ज़्यादा था तो काफ़ी महीनों तक ये जलती रही थी बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेशनल रिपोजिट्री ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्स इज मेंटेन बाई ऑप्शन ए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल ऑप्शन बी इनफ्लिमेट ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन ऑप्शन डी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग तो इसका राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर इज डी दे, एन सी आर टी देखिए जो ये नेशनल रिपोजिट्री एनसीआर टी ने लॉन्च की थी ये कब की थी दो हजार तेरह में कब की थी दो हजार तेरह में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा मैच द फॉलोइंग लिस्ट ए टर्नेटिन जूमरिंग गणेश ए ट्यूटर लिस्ट बी है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर ऑनलाइन सर्वे टूल एंटी सॉफ्टवेयर तो इसका राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर इज कोड डी तो चलिए हम इसको क्रॉस मैच कर लेते हैं टर्नेटिन uh, क्या है टर्निटिन एंटीप्लेग्रिजम सॉफ्टवेयर है ये जूम रेंज क्या है यह है ऑनलाइन सर्वे टूल है। क्या है डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है और ऑप्शन ए यूनेस्को ऑप्शन बी ओ ऑप्शन सी इफला एंड ऑप्शन डी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप तो वीडियो को पूछ करके भी आंसर कैसे कर सकते हैं राइट आंसर इज सी इफला देखिए जो लाइब्रेरी मैप ऑफ द वर्ल्ड है ये सर्विस कब शुरू करेगी 2017 में और इसकी अनाउंसमेंट कब हुई थी 2017 की जो वर्ल्ड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन कांग्रेस थी उसके दौरान इसकी अनाउंसमेंट हुई थी और नेक्स्ट क्वेश्चन इस आइडेंटिफाई द नेम ऑफ कॉपीराइट क्लीयरेंस क्लियरेंस एजेंसी ऑफ इंडिया ऑप्शन ए फेडरेशन ऑफ इंडियन पॉलिशर्स ऑप्शन बी इंडियन रेप्रोग्राफिक राइट ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन सी नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता एंड ऑप्शन डी ऑथर गोल्ड ऑफ इंडिया तो इसका राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर इज बी इंडियन रेप्रोग्राफिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेक्निक अलाउज एम्बेडिंग ऑफ ए विजुअल और इन विजुअल कॉपी राइट नोटिस और अदर वेरिफिकेशन मैसेज इन डिजिटल डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन ए डिजिटल डॉक्यूमेंट प्रोटेक्टिंग ऑप्शन बी डिजिटल वाटर मार्किंग ऑप्शन सी डिजिटल क्लिप बोर्डिंग एंड ऑप्शन डी डिजिटल एम्बारो तो इसका राइट right आंसर क्या होगा विच कैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजमेंट ऑफ बुक्स ऑन लाइब्रेरी सेल्फ ऑप्शन ए कैन ऑफ कंटेक्स इन आएगा यहाँ पे ऑप्शन बी कैन ऑफ फिल्टर सिक्वेंस ऑप्शन सी कैन ऑफ रेलिवेंस एंड ऑप्शन डी कैन ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डब्ल्यू सेयर इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इज इंट्रोड्यू इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्शन ए ट्वेंटी सेवन कैन ऑप्शन बी थर्टी कैनन्स ऑप्शन सी ट्वेंटी डी ट्वेंटी फोर कैन तो इसका राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर इज सी ट्वेंटी नाइन कैन और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ कैन ऑफ टर्मिनोलॉजी ऑप्शन ए कैन एन ऑफ मॉड्युलेन ऑप्शन बी कैन एन ऑफ कोऑर्डिनेट क्लास ऑप्शन सी कैन ऑफ कॉन्स्टिटेंसी ऑप्शन डी कैन ऑफ करंसी तो इसका राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर इज डी कैन ऑफ करंसी और लास्ट क्वेश्चन इज वट इज़ द नेम ऑफ द क्लाउड बेस इंटरफेस प्रोड्यूस्ड बाई ओ सी एल सी फॉर श्योर शेयरिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शन ए तिपासा ऑप्शन बी रिलायंस डी टू डी ऑप्शन सी वर्ल्ड शेयर इंटरलाइवरी लोन एंड ऑप्शन डी कंटेंट डी एम तो इसका राइट right आंसर क्या हुआ राइट आंसर इज ए तिपासा देखिए जो ये चारों के चारों ऑप्शन हैं ये चारों की चारों ओसी एल सी की सर्विस हैं ओ सी एल सी की लेकिन जो तिपासा है ये एक सी सर्विस है जो क्लाउड बेस रिसोर्स शेयरिंग को प्रोवाइड करती है क्या करती है क्लाउड बेस रिसोर्स शेयरिंग को तो थैंक यू सो मच आज की हमारी स्लाइड यहीं ख़त्म होती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा एंड अगेन थैंक यू सो मच